वी आर बैक गाइस और इंडिया बिग नेक वायरस आ चुका है। यस तुम्हें पता हो सकता है हो ना हो, यस काफी खतरनाक वायरस है ये ई रिक्शा। तो वीडियो है बीआई टर्बो मीडिया की, प्लीज कॉपीराइट ना देना, मीडिया लिखा है मेरी फटके ऐसी हाथ पे आ चुकी है, आई डोंट नो। लेकिन आ जाओ वायरस ऑफ इंडियन रोड्स। भारत की सड़कों पर चलने वाली कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अपने ड्राइवर्स की हरकतों से काफी ज्यादा बदनाम है। कुछ लोग स्कॉर्पियो से परेशान, मेरे को तो क्रेटा पता है, कुछ लोग थार के ड्राइवर से परेशान है, तो कुछ की नाक में क्रेटा कर रखा है। इन सबसे भी जो बड़ा कल्पिट है जिसने सभी रोड यूजर्स और कम्यूटर्स की नाक में दम किया हुआ है वो है ई रिक्शा। ये देखो, अरे 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 खेल दिया। संख्या इंडियन सिटीज में पिछले भाई साहब कुछ सालों में उसी तेजी से बढ़ी है जैसे किसी इंसान के शरीर में वायरस फैलता है। और जिस तरीके से एक वायरस आपकी बॉडी को बीमार बनाता है उसी तरीके से इस रोड वाले वायरस ने हमारी सड़कों को बीमार बना दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि ई रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर लोगों को गाड़ी चलाने की तमीज बिल्कुल नहीं होती। ये कहीं ना पिटाई होनी चाहिए सालों की। ये देखो किसी भी रोड पर रॉन्ग साइड में जाने लगते हैं, एक कहीं से भी सवारी बिठाने या फिर उतारने लग जाते हैं जिसकी वजह से रोड पर बहुत ज्यादा कंजेशन होता है और इन वजहों से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन रोड एक्सीडेंट सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से ही नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि इनका नशा करके रिक्शा चलाने की वजह से। ये साले सूखे नशे करके एक सा ऐसी फाड़ के भगाते में क्या बताऊं तुम्हें। ई रिक्शा का मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस। पूरा सिस्टम एक माफिया की तरह चलाया जा रहा है जिसमें अक्सर, और मैं एक दिन बैठ गया ऐसी ना दारू पी के चला रहा था, अब मैं कुछ बोलूं गड़बड़ हो जाती है। रात का समय था, एक ही ई रिक्शा था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पे, मैं बैठ गया। वो फाड़े जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, फिर बीच में रुक रहा है, कुछ पंगा कर रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, फिर भगाया जा रहा है। मैंने बोला भैया बैठ जाओ, अभी यही अवेलेबल, इस पे बैठ जाओ, भगवान से दुआ करो पहुंच जाए अपने मंजिल तक, कहीं और ना पहुंचे। और बस कसम से लोगों की सांठ गांठ भी देखी जाती है। और पूरा सिस्टम एक माफिया की तरह चलाया जा रहा है जिसमें अक्सर पुलिस वालों की सांठ गांठ भी देखी जाती है। और क्योंकि बहुत सारे रोड यूजर्स इन ई रिक्शा से परेशान हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैं इन ई रिक्शा के इस मैनेज को पूरा का पूरा डिकोड करने वाला हूं। भाई कॉपीराइट मत दियो यार, तो अच्छा आदमी लग रहा है भाई, कॉपीराइट मत दियो भाई प्लीज। और ये भी बताऊंगा कि कैसे अब सरकार इन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में होगी इनकी, जब आप लोग हमें कॉपीराइट ना पड़े, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। प्लीज भाई अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस बनानी है, अकेला लौंडा है नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये जो ई रिक्शा है ना, ये भारत की सड़कों पर सबसे पहले 2010 के आसपास देखे गए थे। अच्छा। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में तब जितने भी रिक्शा हुआ करते थे ना, वो सभी के सभी पेडल वाले होते थे, यानी कि उनको अपने पैरों की जान लगाकर चलाना पड़ता था। हाँ, आज भी ये वाले रिक्शा हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन तब तो सारे के सारे यही वाले हुआ करते थे। और हम सब जानते हैं कि इन रिक्शा को चलाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए इन रिक्शा पुलर्स की हेल्प करने के लिए ई रिक्शा को लाया गया ताकि इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। लेकिन ये इलेक्ट्रिक रिक्शा बाहर से इंडिया के अंदर लेके आए गए थे, जो कि एक इंडिविजुअल रिक्शा पुलर की हैसियत से बहुत ज्यादा बाहर थे, और इसीलिए उस ई रिक्शा का जन्म हुआ जिसे फादर ऑफ इंडियन ई रिक्शा बोला जाता है। दरअसल 2012 में मिस्टर विजय कपूर, जो कि एक IIT ग्रेजुएट हैं, उन्होंने चांदनी चौक और सदर बाजार के रिक्शा पुलर्स की हालत देखी और उनसे समझा कि उन्हें इस पैडल वाले रिक्शा को चलाने में किस तरीके की गलती का सामना करना पड़ता है। और अंकल गलती कर दी बहुत बड़ी। सब जानने और समझने के बाद उन्होंने 2012 के एंड तक अपनी खुद की एक ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी लॉन्च कर दी जिसका नाम था SEAPL, और इनका जो पहला ई रिक्शा था उसका नाम था मयूरी। हो सकता है आपने भी ये नाम शायद कभी ना कभी पहले सुना हो। इस ई रिक्शा को इंडियंस की नीड के हिसाब से बनाया गया था, यहाँ की सड़कों के हिसाब से बनाया गया था, और ऐसा बनाया गया था कि ये ज्यादा सवारी, हराम के पट्टे ना साले बाइक की लेन में डाल देते हैं। ऐसा होता ना, बाइक कारें खड़ी है, बाइक साइड से निकालो, ये कुत्ते के बच्चे वहां डाल के रोक के खड़े रहते, फिर ट्रैफिक में रुको, क्या बताऊं। साथ ही साथ ये भी कोशिश करी गई थी कि इसका जो प्राइस हो वो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए ताकि ये इंडिविजुअल्स के हाथ में जा सके। और अगर आप इस ई रिक्शा को ध्यान से देखोगे ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि आज सड़क पर चलने वाले ज्यादातर ई रिक्शा दिखाई देते हैं। इसके बाद से ई रिक्शा की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन 2019 के बाद से इनकी डिमांड ने वो तेजी पकड़ी कि देखते ही देखते आज इंडिया के अंदर 300 से भी ज्यादा ई रिक्शा असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स पैदा हो गए हैं, जो कि मोस्टली चाइना से पार्ट्स मंगाते हैं और यहाँ पर अपने अपने ई रिक्शा को असेंबल करके बेचते हैं। लेकिन 2010 या फिर 12 की तरह आज कोई भी ई रिक्शा के अंदर इनोवेशन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, बस ये सोचा जा रहा है इनोवेशन भाई कि कैसे दूसरे वायरस को इवॉल्व मत करवाई असेंबलर के मुकाबले अपना ई रिक्शा सस्ता कैसे बेचा जाए, जिसके चलते इंडिया के अंदर बहुत ही बुरी क्वालिटी के ई रिक्शा बेचे जाने लगे हैं। सबसे अनसेफ गाड़ी कभी पलट जा, एक तो भारत में गड्ढे इतने, ऊपर से ई रिक्शा जो चलती नहीं, और ये सब चीजें मुमकिन हो पाई हमारी सरकार के नेक इरादों की वजह से। इंडिया की ज्यादातर मेट्रो सिटीज दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की टॉप लिस्ट पर आती है, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये आज से ही नहीं है,
हमारी सिटीज बहुत ही पहले से इस लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर आती हैं। और इसीलिए क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, कुछ भी कर सकते हैं, प्रमोट करना काफी पहले से ही चालू कर दिया था उन्हें इंसेंटिवाइज करके, और इन्हीं इंसेंटिव्स की वजह से ई रिक्शा भी खराब पड़ी रहे वहाँ ओला वाले के घर पे, उसमें बूम देखने को मिला। अप्रैल 2019 में नेशनल गवर्नमेंट ने फेम के फेज 2 को लॉन्च किया था। फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक, जो कि भारत सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने की स्कीम है। इसके फेज 2 को जब अप्रैल 2019 में लॉन्च किया तो इसे लगातार 3 साल तक चलाया। ई कार, ई बाइक, ई रिक्शा सब बेकार लगती है यार मेरे को, ई स्कूटी सब बेकार। और इसमें इंसेंटिव्स कुछ इस, मैं चलाया नहीं हूँ कोई भी इनमें से, पर मेरे को चलाना भी नहीं भाई, मैं डीजल इंजन ठीक है भाई जो चल रहा है, इसको 15,000 रुपए पर किलोवाट या फिर 40% कॉस्ट ऑफ व्हीकल तक के इंसेंटिव, ये इस पे गाने बजा के चला देते हैं बच्चे जा रहे थे, छपरी गिरी हर जगह चालू है भाई, 10,000 रुपए पर किलोवाट तक के दिए जा रहे थे। और मान के चला जा रहा था कि जो इनकी बैटरी का साइज होगा वो 5 किलोवाट से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब वहीं तक हम देंगे इंसेंटिव। अच्छा। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स भी अपने अलग अलग इंसेंटिव्स दे रही थी। ये क्या अभी जो इलेक्ट्रिक रिक्शा थे ना, इनके जो प्राइसेस थे वो ऑलरेडी सीएनजी वाले 3-व्हीलर से काफी ज्यादा कम हुआ करते थे, और आज भी कमी है। जैसे ज्यादातर जो ई रिक्शा होते हैं वो 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की कीमत के बीच में मिल जाते हैं। ऊपर से जब इनके ऊपर ये इंसेंटिव दिए जा रहे थे तब इनके प्राइसेस और भी ज्यादा स्लैश हो गए थे, और इसी कम प्राइस की वजह से इनकी सेल्स धड़ाधड़ होने लग गई। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं था, इसके पीछे दूसरा रीजन ये था कि जो इनकी सेल्स थी ना उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। सीएनजी वाले 3-व्हीलर्स लिमिटेड रन्स में निकाले जाते हैं और इनको चलाने के लिए बैज भी एक्वायर करना पड़ता है, और जो ड्राइवर बैज होल्ड करते हैं सिर्फ वही इन सीएनजी वाले 3-व्हीलर्स को अपने नाम पर खरीद सकते हैं और वही उसे चला भी सकते हैं। लेकिन ई रिक्शा में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं थी, इसीलिए कोई भी इन्हें जितनी मर्जी संख्या में खरीदने लगा और जिस मर्जी को चलाने के लिए देने लगा, चाहे उसके पास लाइसेंस हो या फिर ना। और ये भी एक और रीजन बना जिसकी वजह से ई रिक्शा की जो संख्या है वो सड़कों पर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और कोई भी चला रहा है, इन पे लाइसेंस भी नहीं है जो चला रहे हैं, बादशाह ई रिक्शा, बादशाह भाई कब निकाल दिया कि ये सिटी रोड्स को ब्लॉक करने लगे हैं। जैसे कि अगर मैं नोएडा की बात करूं तो 2011 में यहां पर सिर्फ 10 ई रिक्शा हुआ करते थे, लेकिन आज 2024 में इनकी संख्या 17,000 है। और ऐसे ही कंजेशन की प्रॉब्लम ई रिक्शा की वजह से ऑलमोस्ट हर एक के अंदर देखने को मिल जाएगी। ज्यादातर सिटीज में ई रिक्शा के लिए कोई भी डेजिग्नेटेड रिक्शा स्टैंड नहीं होता है जहाँ पर ये खड़े हो सके, इसलिए जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है या फिर जहाँ पर भी फुटपाथ लगा देते हैं साले होता है ना, ये लोग अपने ई रिक्शा को वहीं पे ले आके खड़ा कर देते हैं वो भी बिना किसी परमिट एंड परमिशन के। लखनऊ के कई की एरियाज में अब एक एक बार में 50 से 60 रिक्शा 14-14 घंटे के लिए खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ लखनऊ की ही नहीं है, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, वृंदावन और ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर सेम यही प्रॉब्लम है। और दिक्कत वाली बात ये भी है कि ये लोग कोई भी रूट फॉलो नहीं करते हैं, ये कभी अपनी मर्जी से शेयरिंग के लिए देखो इस पे लाइसेंस होगा लगता है तो भैया ये कुछ भी, ये आधे तो ये नशे में, ये नींद पे, आधे नींद के नशे में और आधे ही सूखे नशे में मेरे ताऊ जी जाते हैं इसे, कभी इसे पर्सनल ऑटो की तरह यूज करने लग जाते हैं, कभी ये किसी राउट को पकड़ लेते हैं या फिर कभी ये सीधा लोगों को उनके घर पे उतारने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ई रिक्शा को भारी संख्या में खरीदने वाले लोग अपने रिक्शा को रोड पर खड़ा करते हैं और खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर, वो भी फुल अथॉरिटी के साथ। और इन्होंने जो अपने लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना वो तो हद से ज्यादा घातक है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं दिल्ली एनसीआर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ई रिक्शा आज की डेट में सवारी से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से एनसीआर रीजन के कई सारे इलाकों के अंदर जो कंजेशन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इनकी संख्या की ही नहीं है, इनको चलाने वाले लोगों की भी है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज हुई थी, वो ना इंजेक्शन लगा रहा था नशे वाले और फिर एक सब बढ़िया सब चलेगी ना, मैं तो आया रोड रैश बनाने में ई रिक्शा एडिशन, इंजेक्शन डाल रहा था वो अपने हाथ पैरों पर इंजेक्शन लगा रहे होते हैं पता नहीं कौन सा ड्रग भर के। अब सवाल ये उठता है कि ये जो साला इंजेक्शन लगा रहे ऊपर वो भी ड्रग ना सस्ता होगा, कोई आधा पानी है 50% वाटर ऐसा कोई ड्रग होगा होते हैं, वो इस तरीके के लोगों के हाथ में कैसे पहुंच जाते हैं? वेल इसका मेजोरिटी रीजन ये है कि ये जो ई रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं ना वो इनको ओन नहीं करते हैं बल्कि वो इनको रेंट पे चलाते हैं, और जो इनका रेंट होता है ना वो काफी ज्यादा कम होता है। ज्यादातर जो ई रिक्शा होते हैं उनका लगभग 300 रुपए के आसपास ही रेंट होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरीके के असामाजिक आदमी के हाथ में पहुंच जाता है, और वो आदमी इस रिक्शा को पूरे दिन चलाकर अपना नशे का पुलिस से लेता है, कह रहा आजा लड़ ले, आजा भिड़ ले, कह रहा है पुलिस वाले को। रिक्शा को चलाते हैं ये लोग कोई भी ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना तो जानते हैं। ये देखो हराम के पिल्ले ने कहा डाली रुको, ये देखो ये हराम का पिल्ला कहाँ उल्टा पेल रहा है, इसकी ना इनकी कुटाई क्यों नहीं करते लोग, मैं तो वहीं पेल दूं, मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए ना मैं इतना पेल। लोग कोई भी ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन ठोक दिया उसे बताओ मर गया और भाग गया कुत्ते का बच्चा भाग गया करना चाहते हैं। और जब इनके एक्सीडेंट्स होते हैं ना तो इनमें बैठे पैसेंजर्स को इंजरीज भी ज्यादा लगती है और जान तक भी चली जाती है, ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं। एक तो ये कि ये जो ई रिक्शा होते हैं सिर्फ 4 लोग परमिट होते हैं। क्या कर रहे हैं, एक दो
तीन चार और साला चला किसे रहे 100 लड़कियां भर रखी भाई। लेकिन ये हमेशा ही ओवरलोड करके चलते हैं। और दूसरा ये कि ये जो यार ओवरलोड नहीं किया रिक्शा पे तो क्या किया फिर मजा कहाँ आया। रिक्शा होते हैं इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल होती है क्योंकि पता नहीं चाइना की किस थर्ड क्लास फैक्ट्री से इनका माल आता है और इंडिया के कौन से मोहल्ले में लगी फैक्ट्री में इन्हें असेंबल किया जाता है। अब यार ये जो इतने सारे रूल्स को ब्रेक करते हैं इतना केओस मचाते हैं उसके बावजूद भी पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। पुलिस ने पैसा ले रखा इनसे ना। सवाल आपके मन में भी उठता होगा राइट। वेल इसका जवाब ये है कि ये। पुलिस भी अक्सर इनसे मिली होती है। पुलिस वालों से इतना करप्ट सिस्टम है यार क्या बोले वो जो इन ई रिक्शा के ओनर्स होते हैं ना वो अक्सर मंथली सीबीआई कॉन्ट्रैक्टेड 2 हेड कांस्टेबल्स ऑफ दिल्ली पुलिस एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ऑफ रुपीस। दिल्ली का तो हाल बुरा है मैं गया था वहां मेरा हो भी चुका है सिस्टम। ये पंगा वाला लड़ाई पंगा वाला बहुत बुरा हाल है भाई मैं बताऊंगा कभी तुम्हें क्या हुआ था पर बहुत बुरा हाल है भाई। ब्राइबरी तो खुला है बिल्कुल। एक बार नहीं मैं दिल्ली गया मैं 3 बार दिल्ली गया और मेरे साथ 2 बार केस हो चुका है ऐसे ब्राइबरी वाले सीन वाला समझ रहे हो मतलब बताऊंगा कभी क्या सीन हुआ था क्या बोलूं मैं बताओ कुछ नहीं कर सकते जो है सो है यही है पर ये ना ये रिस्की हो जाता है फिर। और ये लोग कोई आम 1-2 रिक्शा को ओन नहीं करते हैं ये कई 100-150 रिक्शा को ओन करते हैं और बहुत मोटा पैसा जाता है पुलिस वालों को हर महीने इसीलिए पुलिस कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन शायद अब और ऐसा नहीं चल पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट अब अवैध रिक्शा को बैन करने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक रिक्शा को 11 रूट्स पर बंद कर दिया है खासकर प्राइमरी रोड्स पर जहां पर इनकी ऐसे भीड़ बहुत ज्यादा लगती थी। वहीं नोएडा में भी 1097 इलेक्ट्रिक रिक्शा को सीज कर दिया गया है और ये कार्रवाई लगातार चले जा रही है। सिमिलरली जयपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है इलेक्ट्रिक रिक्शा ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया। स्टूपिड सीन है पहले इन्होंने इंसेंटिव दिए कि हाँ चलो ई रिक्शा चलाओ अब इनसे रेगुलेट हो नहीं पाया तो आप उसी को वो सीज कर रहे हैं। इतना इतना मूर्खता भरा सीन चलता है ना यहाँ पे मैं तो यार कभी कभी इतना डिसअपॉइंट होता हूँ मैं क्या बताऊँ तुम्हें कुछ पर कुछ कर ही नहीं सकते क्या कर सकते गया है। और साथ ही साथ में उनको 9 रूट्स पर बंद कर दिया गया है। और इन सभी के अलावा दिल्ली में भी अब देखने को मिल रहा है कि अवैध ई रिक्शा पर जमकर कार्रवाई हो रही है और ई रिक्शा को जब्त क्रश किया जा रहा है। अब सरकार ये कोई अच्छी बात थोड़ी है इस ई रिक्शा वाली प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश तो कर रही है लेकिन मेरे हिसाब से ई रिक्शा एट फर्स्ट प्लेस एक प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। ई रिक्शा एक बहुत ज्यादा क्लीन शांत और बंदों को पकड़ो ना जो गलत चल तुम ई रिक्शा फोड़ रहे हो थोड़े से गधे हो क्या क्या घेरने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो नशे करके चला रहे उनको पकड़ो 2 लट पीछे अंदर तक डालो लट और रूल बता दो कि जिसपे लाइसेंस है वो चला पाएगा ऐसा कुछ क्या जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट साबित होता है। पुलिस वालों को बोलो घूस ना ले पतली गलियों के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सरकार की करप्शन पर पकड़ अच्छी होती तो इतने रिक्शा सड़कों पर वही है और जितने चल रहे होते उन्हें इनके ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिली चला रहे होते क्योंकि उनके पास इन्हें चलाने का लाइसेंस होता जिसकी वजह से कई सारे असामाजिक लोग इनसे दूर रहते। ये एक बड़ा इशू था इसलिए मुझे लगा इसके ऊपर बात बहुत बढ़िया वीडियो मेरे भाई बहुत बढ़िया वीडियो जुड़े हुए अपने विचार छोड़ सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस बीआई टर्बो बहुत बढ़िया वीडियो बनाई मेरे भाई क्या मतलब भैया आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि वो कॉपीराइट दे साथ इट्स अ गुड वीडियो पब्लिक अवेयरनेस इट इज गुड मजा भी आया देख के बीटी चल रही थी पूरी वीडियो में ऐसे सीरियस टॉपिक पे मजा आ गया भाई बढ़िया वीडियो बनाई भाई कॉपीराइट मत देना भाई प्लीज भाई भाई प्लीज लेकिन आज की सुनाते हैं गाइस भाई के चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में होगी बाय टर्बो मीडिया की चेक देम आउट कर देते हैं बाय बाय।